अल्टीमेटली जिसमें हम बात करेंगे टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में एंड बजट भी बहुत ही लो है क्योंकि ये पांचों स्मार्टफोन्स 20,000 के अंदर रहने वाला है। By the way, इस वीडियो में मैंने कुछ अलग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड किया है मैंने, जैसे कि हीटिंग परसेंटेज, गेमिंग स्कोर एंड दूसरे परफॉर्मेंस इंडेक्सेस। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। हां, जितने भी फोन्स के बारे में बात करेंगे उनमें मिनिमम ये फीचर्स होने चाहिए, मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। तो ये कौन से फीचर्स है पता है? नंबर 1 5G। जितने भी फोन्स के बारे में बात करेंगे वो सभी 5G फोन्स होने चाहिए। पैसा दे रहे ब्रो, 5G तो चाहिए ना। उसके बाद अंतुतु स्कोर मिनिमम 5 लाख होने चाहिए क्योंकि हम गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस को कंसीडर कर रहे हैं। GPU मिनिमम 3000 और बैटरी 4500 तो मिनिमम होने ही चाहिए। वेल, अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 में जो फोन है उसके बारे में, जो कि है Realme Narzo 50 Pro 5G। इस फोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 920 SoC जो 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है और इसका अंतुतु बेंचमार्क स्कोर 5,05,000 के आसपास। और GFX यानी गेमिंग स्कोर की बात करें तो ये 3500 तक तुम्हें देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअली बहुत ही बढ़िया। और Geekbench सिंगल स्कोर है 812 और मल्टी स्कोर है 2312। नंबर्स को छोड़ दे तो फिर ये बढ़िया परफॉर्मर। कोई भी फोन की गेमिंग के लिए हीटिंग कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ये फोन थोड़ा बहुत हीटिंग होता है। इसका हीटिंग परसेंटेज 34.1% बढ़ जाता है वाइल गेमिंग, जो कि सही नहीं। बाकी तुम्हें इधर देखने को मिलता है 6 या फिर 8 GB का रैम, 90Hz रिफ्रेश रेट जो कि थोड़ा सा कम है एंड 5000mAh बैटरी विद 33W डार्ट चार्जिंग। और अगर हीटिंग इशू को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं तो फिर ये काफी सही एक गेमिंग डिवाइस है। नंबर 4, टेक्नो कैमोन 20 Pro 5G। टेक्नो इन्फिनिक्स ये सब ना कमाल कर रहा है, अंडर 20,000 टेक्नो प्रोवाइड कर रहा है MediaTek Dimensity 8050 जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर 6,87,000 है। GFX गेमिंग स्कोर है 2282 जो कि थोड़ा सा कम लगा मुझे, बट Geekbench सिंगल स्कोर 950 के आसपास चला जाता है, वही मल्टी स्कोर 3287 है। और बैटरी की बात करें तो फिर हमें देखने को मिलता है 5000mAh का बैटरी जो कि काफी बड़ा एंड 33W का फास्ट चार्जिंग। अब इतने नंबर्स के बाद कंक्लूजन यही है कि ये डिवाइस तुम्हें बहुत ही सही गेमिंग करने में हेल्प करेगा और ऊपर से डिस्प्ले भी 120Hz का है, मतलब एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहने वाला है। ठीक है, GPU थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है ऑन पेपर, बट एक्सपेंडेबल रैम का फीचर और प्रोसेसर सब मिला के ये फोन बहुत ही तगड़ा है। नंबर 3 पर है इंडियन ब्रांड लावा, एंड लावा ने इस बार भाई क्या ही काम किया है। यस, मैं बात कर रहा हूँ लावा अग्नि 2 5G के बारे में। प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसमें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7050 जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड है। ये प्रोसेसर सच में बहुत ही ज्यादा केपेबल है। सीरियसली ये फोन ना मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि अंतुतु स्कोर काफी सही है, लाइक 5.5 लाख के आसपास। बाकी GFX गेमिंग स्कोर है 3594 जो कि काफी इंप्रेसिव है। हीटिंग 28.6% इंक्रीज होता है आधे घंटे तक कंटिन्यूअसली गेम खेलने पर, तो मेरे हिसाब से हीट मैनेजमेंट ये फोन काफी सही से कर लेता है। और Geekbench की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर है 968 एंड मल्टी कोर स्कोर है 2442। नंबर्स को छोड़ के प्रैक्टिकली बात करते हैं, इधर तुम्हें देखने को मिलेगा कर्व डिस्प्ले, साथ में मिलता है 120Hz का रिफ्रेश एंड इतना बढ़िया प्रोसेसर, बैटरी 4700mAh जो कि 66W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और ये सब कुछ ना गेमिंग एक्सपीरियंस को टॉप नॉच बनाया था और लावा ने इस बार धमाका किया है लिटरली, मैं फिर से बोल रहा हूं। और एक बात मैं एडिशनली बोल दूं कि लावा का ये डिवाइस अभी फिलहाल के लिए आउट ऑफ स्टॉक है, बट चिंता ना करो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा और बाद में आराम से इसको खरीद पाओ। वेल, अभी बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में है Realme 9 5G SE। इस फोन में है बहुत ही स्टेबल Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर जो कि सेम 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। अंतुतु स्कोर है 5,41,000 और GFX गेमिंग स्कोर है 3635 जो कि एक बढ़िया स्कोर है। एंड स्टेबल क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि हीटिंग परसेंटेज आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग सिर्फ 14.9%। सो ये फोन ऑब्वियसली बहुत ही कूल रहता है चाहे कितना भी गेमिंग कर लो, और यही होता है एक्चुअली स्टेबल प्रोसेसर का फायदा। आई मीन अगर फोन हीट नहीं करेगा तो फिर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बाकी Geekbench में सिंगल कोर स्कोर है 788 एंड मल्टी कोर स्कोर 2762 और ये 6 या फिर 8 GB का रैम के साथ आता है, अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और भाई ये फोन लिटरली 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बैटरी भी ज्यादा है 5000mAh का जिसमें तुम्हें 30W का डार्ट चार्जिंग का फीचर मिल जाता है जिसको तुम्हें जरूर खरीदना चाहिए अगर गेमिंग ही तुम्हारा मेन प्रायोरिटी है। एंड अब नंबर 1 पर जो फोन है उसका नाम है Xiaomi Redmi K50i 5G। इसमें तुम्हें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8100 जो कि 5 नैनोमीटर बेस्ड है और अंतुतु स्कोर की बात करें तो फिर तुम्हें ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास का स्कोर देखने को मिल जाएगा। और Geekbench सिंगल कोर स्कोर है 909 एंड मल्टी कोर स्कोर 3780 बट इसका GFX गेमिंग स्कोर सुनकर ना तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, 7171 स्कोर करता है। और हीट मैनेजमेंट तो और भी अच्छा, सिर्फ 10.7% इंक्रीज होता है आधा घंटा गेमिंग करने के बाद। दैट मींस ये एक गेमिंग बीस्ट है इस रेंज में। बाकी 6 एंड 8GB रैम का वेरिएंट अवेलेबल है अलग-अलग, 144Hz का रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले में और बैटरी भी काफी सही है, लाइक 5080mAh का बैटरी है भाई और 67W
टर्बो चार्जिंग के साथ आता है। सो ये डिवाइस नंबर वन में हक से। सो यस, यही था लिस्ट। तुम्हें कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है वो कमेंट करके जरूर बताना। और भी काफी सारे डिवाइसेस आने वाले हैं इन फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लाइक अलग अलग नीड वाइज, अगर आपको कैमरा सेंट्रिक देखना है तो फिर उसके ऊपर भी आने वाला है, या फिर सिर्फ ओटीटी देखने के लिए अच्छा खासा डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन चाहिए तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी आने वाला है। और भी अगर कुछ सजेशन है तो फिर वो भी कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि उनको एक रफ आइडिया लग जाएगा किसको लेना है। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। सो गुड बाय।